हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में नेगेटिव कैश को बैलेंस शीट में कैसे पता करेंगे, कैसे पता चलेगा कि बैलेंस शीट में हमारा कैश नेगेटिव है, तो इसी की बात करेंगे। सबसे पहला काम कि कंपनी आपको बनानी है, पहले से बनी हुई है, टैली ईआरपी 9 हमने ओपन कर रखा है, लेकिन अब चूंकि नेगेटिव कैश वाली बात है तो उसको हम देखेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं और यहां से वी प्रेस कर लेता हूं मैं, और परचेज वाउचर में आने के लिए F9 प्रेस कर लीजिए आप। यहां से परचेज वाउचर में, यहां पर देखिए हमने अलग अलग टाइप के वाउचर टाइप्स बनाए हैं, ठीक है। यहां दशाइन इन इंस्टीट्यूट देवरिया में चूज करता हूं और यहां पे ये ले लिया हमने। अब यहां पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दिया हमने, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस करता हूं पहले। और यहां पर क्रेडिटर, तो क्रेडिटर पार्टी के लिए यहां पर हमने बनाया है आयुष क्रेडिटर, तो इसी को ले लेते हैं हम। ये ले लिया हमने, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया और यहां पर आ गए। अब यहां परचेज अकाउंट, अब यहां पर क्या करता हूं मैं, डेस्कटॉप परचेज करता हूं। यहां पे अब हम परचेज करेंगे, ऑल्ट के साथ सी प्रेस करता हूं, स्टॉक आइटम बना लेते हैं डेस्कटॉप, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया और ये पीसेस कर देता हूं, नॉट एप्लीकेबल, ये हमने कर लिया, ठीक है। अब यहां पर चाहे तो कुछ एडिशनल डिस्क्रिप्शन अगर आपको डालना हो तो यहां पर डाल सकते हैं। यहां पर क्वांटिटी, तो मान लीजिए 70 क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं, एक क्वांटिटी की कीमत 50,000 रुपए है, एंटरप्रेस किया, ये हमने परचेस कर लिया। अब मैंने नहीं डाला है, 80 लैपटॉप हम परचेस कर रहे हैं, एक लैपटॉप की कीमत जो है 78,000 रुपए, ठीक है, एंटरप्रेस किया, ये हमने ले लिया। फिर यहां पर आएंगे तो एसएसडी की बात करेंगे, SSD भी शायद बनाया हुआ है हमने, इसको देख लेते हैं यहाँ से, SSD ये रहा। तो SSD के 8000 आइटम हम परचेस कर रहे हैं और एक की कीमत यहाँ पर 2200 रुपए है, तो उसके हिसाब से यहाँ टोटल आ गया, ठीक है। मदरबोर्ड की बात करेंगे तो मदरबोर्ड भी पहले से बना हुआ है, तो ये मदरबोर्ड हम ले लेंगे, 7000 मदरबोर्ड के आइटम हम परचेस कर रहे हैं और एक की कीमत 5500 लग रही है, ठीक है, ये हमने कर दिया। तो इतना सारा करने के बाद यहाँ पर अब GST के लेजर की बात करेंगे, यानी CGST और SGST आ जाएगा। तो ये CGST आ गया और यहाँ पे SGST आ गया, एक्सप्रेस किया हमने और यहाँ पर आ जाएगा SGST, तो ये हमने SGST लगा दिया। अब यहाँ पर चाहे तो नरेशन डाल सकते हैं, इसको हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। अगर आप प्रिंट सेव करने के साथ ही प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ वाई प्रेस कर दें, अदरवाइज यहाँ पे एन प्रेस कर सकते हैं। हम यहाँ वाई प्रेस करके आपको दिखा देते हैं कि ये प्रिंट आया कैसा है। ये देख सकते हैं, ये इस तरह का बिल हमें मिलेगा, ये यहाँ पे द शाइनिंग इंस्टीट्यूट वाउचर ये लिखा हुआ भी आ रहा है और इस तरीके से ये बिल हमें जारी होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव कैश की। जब हमने ये एंट्री बनाई थी तो किसी भी तरह का नेगेटिव कैश का वार्निंग नहीं आया था। ये एक बार वो एंट्री देख लेते हैं जो हमने अभी बनाई है, दो बार डी प्रेस करते हैं आ जाते हैं। यहां पर ये लास्ट वाली एंट्री थी, तो यही वो एंट्री थी। अब इसमें हम जाएंगे, वी प्रेस करेंगे और फिर यहां से F5 प्रेस करेंगे, तो यहां पेमेंट वाउचर में आ जाएंगे हम, ठीक है। अब यहां पर जो कैश करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर क्रेडिटर पार्टी का लेजर आएगा, यानी आयुष क्रेडिटर। तो पेमेंट की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए हम जाएंगे वी प्रेस करेंगे और फिर यहाँ से F5 प्रेस करेंगे, तो यहाँ पेमेंट वाउचर में आ जाएंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर जो कैश करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर क्रेडिटर पार्टी का लेजर आएगा, यानी आयुष क्रेडिटर। तो ये हमने किया और एंटर प्रेस किया, यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस आ गया, ये सारे आइटम हमने परचेस किए हैं, तो इसी के अगेंस्ट में हम इनका बिल भी चुकाएंगे, तो ये सारी देख सकते हैं कि करंट बैलेंस आपके पास है नहीं और उससे ज्यादा आप चुकाने की कोशिश कर रहे हैं,
तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहां पर जैसे ही इसको एक्सेप्ट कराएंगे तो ये एक्सेप्ट तो हो जाएगा, इसको एंटर प्रेस कीजिए, ये देखिए यहां पे कैश आपका रेड में शो कर रहा है, ठीक है। यहां से F12 की प्रेस करता हूं और यहां वार्न ऑन नेगेटिव कैश बैलेंस ये ऑफ है, इसको वाई प्रेस करके यस कर देता हूं, ठीक है। और यहां से कंट्रोल ए प्रेस करता हूं, अब अगर इसको हम एक्सेप्ट कराने की कोशिश करेंगे, अब अगर कैश नेगेटिव में आता है तो वो कहां से दिखेगा, तो यहां से बैलेंस शीट पे आ जाइए और यहां पर देख सकते हैं आप करंट एसेट में आपको आ जाना है, ये आ गया करंट एसेट में, और फिर यहां पर कैश इन हैंड पे आना है, ये कैश इन हैंड है, एंटर प्रेस कीजिए, ठीक है। अब हमें कहां चलना है, सितंबर में चलना है, तो एंटर प्रेस करता हूं, ये हम आ चुके हैं सितंबर में, यहां पर क्लोजिंग बैलेंस आपका रेड में शो कर रहा है, 8,47,32,784 है, 84 रुपए 40 पैसे, और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस जो है 8,32,09,941 रुपए 44 पैसे है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव में है। तो अभी क्या करना है हमें, हमें यहाँ कीबोर्ड से F6 बटन प्रेस करना है डेली ब्रेकअप के लिए, तो ये जैसे ही F6 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं किस किस डेट में आपका बैलेंस नेगेटिव में है, ये पूरा का पूरा शो कर रहा है, अगर रेड में है तो वो नेगेटिव है, ये जान लीजिए, ठीक है। यहां से पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, ठीक है, और ये पूरा देख लीजिए आप, पूरा ये कैश जो है नेगेटिव। ऐसा क्यों होता है, या तो आप टैली में नए हैं और एंट्रीज पे एंट्रीज किए जा रहे हैं, कैश रिसीव नहीं है कंपनी में फिर भी आप एंट्रीज किए जा रहे हो, या फिर आप बैक डेट में एंट्री कर रहे हो, ये दोनों कारण से हो सकता है, क्योंकि बैक डेट में आपको ये पता नहीं कितना कैश अवेलेबल है, तो आपने बैक डेट में एंट्री कर दी और वहां पर कैश अवेलेबल नहीं था और आपने एंट्री कर दी, तो जब वो एंट्री पास होगी तो फिर वो कैश नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर लेकिन अभी हमें नेगेटिव कैश की बात करनी है, तो कैश इन हैंड पर आ जाएंगे और यहां से कैश पे जा करके, और जिस भी मंथ का हमें देखना होगा वो यहां से देख सकते हैं, जैसे यहां पे देखिए, यहां पर ये नेगेटिव में नहीं शो हो रहा है, ठीक है। कैसे पता, यहां पर आप लाइव ब्रेकअप पे जा करके यानी F6 की प्रेस करेंगे, यहाँ पे F6 की प्रेस कीजिए आप कीबोर्ड से, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर आपका कैश नेगेटिव नहीं शो हो रहा है, लेकिन यही बात करें अगर सितंबर मंथ की, तो सितंबर मंथ में ये कैश नेगेटिव है, यहाँ पर देख सकते हैं ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, तो क्रेडिट यानी कि जो आपने एक्सपेंसेस किए और डेबिट यानी कि जो पैसा आपको प्राप्त हुआ उसे हम डेबिट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्राप्ति कितने की हो रही है, 6,23,976 रुपए, और खर्च कितना हुआ कुल मिलाकर के 8,47,32,784 रुपए 40 पैसे, तो ये बहुत ही ज्यादा है जिसके वजह से आपका कैश नेगेटिव हो गया है, तो ये नेगेटिव कैश आना अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। यहां से आप इसको चेक कर सकते हो, अब इसको सुधारेंगे कैसे वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अगर वीडियो पसंद आती हो तो शेयर कर सकते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।